साल चेंज कर लेने के बाद हम इसको दोबारा, तब तक इसको हमने मजीद और बेक करना है। देखिए अभी माशाल्लाह कितनी ये मॉइस्ट है। मेन स्टेप अगर मिस कर देते हैं तो फिर आपकी लाइफ इजी होती है और आपका खाने का बहुत मजा आता है। अब इसकी सॉस बनाने के लिए, अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं वैरायटी रोस्ट में जिसका नाम है पोर्चुगीज रोस्ट विथ क्रीमी सॉस। ठीक है, तो उसकी सॉस भी बनेगी और रोस्ट बनाना सिखाएंगे आपको पोर्चुगीज स्टाइल में। तो सबसे पहले इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। पहला काम जो आपने करना, जो मैं कर चुकी हूँ, वो ये है कि चिकन को मैंने वॉश किया, कट किया और उसको ओवरनाइट मैंने खुले पानी में 1/3 कप जितना सिरका और 2 टेबलस्पून नमक डालकर छोड़ दिया था ओवरनाइट। ये स्टेप कभी भी मिस मत किया करें जब भी आप रोस्ट बना रहे हो, चाहे वो रोस्ट आपने अवन में बनाना है, एयर फ्रायर में या हांडी में। फिर वो यही बात होती है कि जब हीट कंडक्ट करती है बहुत ज़्यादा अवन में या उसमें एयर फ्रायर में, तो आपका चिकन बहुत ड्राई बनता है। ये ट्रिप करने से होता है कि आपकी कुकिंग प्रोसेस जल्दी और चिकन अंदर से बिल्कुल मॉइस्ट बनती है। तो ये स्टेप प्लीज़ कभी मत जो है स्किप किया करिए। रिटन रेसिपी में आपको फुल डिस्क्रिप्शन दे देती होती हूँ। तो उसकी जो सेकेंड मैरिनेशन है उसके लिए आपको चाहिए ऑलिव ऑयल 3 टेबलस्पून है मेरे पास, हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून जाएगी, एक पूरा लेमन का जूस डाल दीजिएगा बीच में, पार्सले जाएगा 1 टीस्पून, पार्सले नहीं तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हो 1 टीस्पून इतना डाल दीजिएगा, नमक बीच में जाएगा दोबारा, यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर है, मैदा इसमें आप इस्तेमाल करेंगे 1 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून, लहसुन का पाउडर बीच में जाएगा 1 टीस्पून भरकर, और बीच में जाएगी टमाटो की जो होती है ट्यूब में आपको मिल जाती होती है पेस्ट या प्यूरी, ये आप इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल भरकर। ठीक है, तमाम चीज़ें डालकर इसको अच्छी तरह यहाँ पर हम करेंगे मिक्स। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेने के बाद इसको मैरिनेट कर लिया था मैंने 1 घंटे के लिए। ठीक है, अब जब आप इसको मैरिनेट कर लेते तो अब हमने इसको बनाना है अवन में। ठीक है, मैंने आपको बता दिया आप इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं और टेम्परेचर आप वही रखोगे 200 सेंटीग्रेड अगर आप एयर फ्रायर भी इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि मैं अवन में बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे अवन को किया हुआ है 200 सेंटीग्रेड, प्रीहीट किया हुआ है 400 फारेनहाइट गैस मार्क 6 पर। 10-15 मिनट पहले अवन को प्रीहीट कर लें और अब इसको मिडिल रैक में रखकर हम बेक होने देंगे, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि ऑब्वियसली चिकन काफ़ी पानी रिलीज करता है। पानी डिस्कार्ड मत कीजिएगा क्योंकि वो आप जब आप कोई चीज़ सर्व कर रहे हैं, फर्ज करें डिनर रोल्स या नान या कुछ, तो आप उसके साथ में इसको सर्व कर सकते हो क्योंकि पकते पकते थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। और अगर चावलों के साथ सर्व करें तो चावल पे भी आप उसको डाल सकते हो जो उसका मसाला होता है। ठीक है, कि वो कुक हो गया होता है। तो इसको पहले हम कुक करेंगे फॉर 30 मिनट्स, क्योंकि अवन हो या एयर फ्रायर तकरीबन 40-50 मिनट्स को लगते हैं अच्छे से कुक हो जाने के लिए। ठीक है, 30 मिनट्स उसको पहले बीच में अवन में करेंगे, फिर इसकी साइड जब चेंज करूंगी आपको मैं दिखाऊंगी और फिर उसको मजीद कितना कुक करना आपको वहीं से दिखाऊंगी। चिकन का वजन यहाँ पे मेरे पास 1.5 kg, तो ये देख लें यहाँ पे इसको 30 मिनट्स हो गए अवन में बेक होते हुए। ठीक है, और अब जो है यहाँ पर मैं इसकी पहले साइड चेंज करूंगी, साइड चेंज कर लेने के बाद हम इसको दोबारा अवन में बेक करने के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से चिकन जो है हमारी डन हो जाएगी। तब तक इसको हमने मजीद और बेक करना है। देखिए अभी ही माशाल्लाह कितनी ये मॉइस्ट है। ये ही वजह है आपको मैंने बताया कि जब आप इसको अवन में किसी में बनाते हैं, अगर आप वो मेन स्टेप अगर मिस कर देते हैं जिसमें मैंने आपसे कहा है कि ओवरनाइट इसको सिरके और नमक में रखें, तो फिर आपकी लाइफ इजी होती है और आपका खाने का बहुत मजा आता है। इसको दोनों की साइज चेंज करती हूँ और मजीद इसको अवन में रखती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए चिकन यहाँ पे परफेक्टली हमारी तैयार हो गई है। इसे निकाल करके एक साइड पर रखते हैं चिकन को, और जो मैंने आपसे कहा था कि नीचे जो इसका मसाला सा रह जाता है वो हमें इसकी सॉस के लिए चाहिए, क्योंकि मैं इसकी अभी सॉस आपको बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल यूनिक सी इसकी सॉस भी बनती है। तो ये है कि चिकन को निकाल कर एक साइड पर करते हैं और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। अब इसकी सॉस बनाने के लिए मैंने आपसे कहा था कि जो मसाला बच जाएगा वो और जो थोड़ा बहुत उसका तेल है वो बीच में फ्राइंग पैन में आप ऐड करेंगे। इसके साथ में आपने ऐड कर देना है यहाँ पे क्रीम जाएगी 1/2 कप भरकर, क्रीम डाल दें, घर की क्रीम पसंद करते हैं तो वो डाल दें, अगर बाजार की नहीं है तो। उसके बाद इसमें जाएगी पेरी पेरी सॉस, कोई भी आप अपने फ्लेवर की पसंद कर सकते हो, मैं लेमन एंड हर्ब इस्तेमाल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून है, और मेयोनीज़ इसमें जाएगी 4 टेबलस्पून। ठीक है,
ये बहुत ही अलहदा सी इसकी सॉस बनती है, इसका जायका भी बहुत मज़ेदार होता है। फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और यहाँ पे आपने इसको इतना कुक करना है कि ये अच्छी सी गाढ़ेपन की तरफ आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आपने क्या करना है। तो ये देखें परफेक्टली डन। अब आपको दिखाते हैं आपने क्या करना है। अब जो ये सॉस है ये आप इसके ऊपर ड्रिजल कीजिएगा, और जब आप इसको सर्व भी कर रहे होंगे तो यही सॉस के साथ सर्व कीजिएगा। डिनर रोल्स के साथ कर लें, गार्लिक राइस बना लें, ठीक है। तो लिंक आपको मैं गार्लिक राइस का भी दे दूंगी, इसी के से आप करेंगे। ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च गार्निशिंग के लिए, हरा धनिया है तो वो डाल लें थोड़ा सा, टेबलस्पून जितना, चुटकी भर डाल रही हूँ इनफैक्ट। और ये पार्सले डाल रही हूँ मैं, और इसे करते हैं डिश। इसी के से आप इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा बनाए हुए सॉस के साथ में, और चाहे तो फ्राइज मिक्स सैलड बना लें, बड़ा मज़ेदार लगता है। ये रिफ्रेशिंग होता है, ज़रा थोड़ा लाइट आपका जो है डिनर बन जाता है। इवन एज ए स्टार्टर आप इसको दे सकते हो किसी पार्टी वगैरह में। तो ये कि रेसिपी आपको पसंद आती हो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कम्प्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, जिसको quickfaiza.net पर। और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आप आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।